हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गीत कौशिक। कैसे आप सभी? होप करती हूँ सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल स्क्रीन पे आपको मेरी खुद से क्रिएट की हुई ड्रेस नज़र आ रही होंगी, बट इसमें मैं आपके लिए सूट डिज़ाइन लेके आई हूँ। बट मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं ऐसी ड्रेस स्टिच करती हूँ जो कि आप इस सभी ड्रेसेस की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप ट्राई कर सकते हो और सिलाई सीख सकते हो। आज मैं कुछ पंजाबी सूट डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें लेस और बटन्स के साथ ये सूट रेडी किए हुए हैं। आप चाहे तो हैंड एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हो। अगर आप प्लेन सूट पहनना पसंद करते हो लेस के साथ, तो इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे और यूनिक डिज़ाइन मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो कि सिंपल के साथ शोवर भी आपको नज़र आएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल प्लेन सूट के साथ फ्रिल वाली चुन्नी यहाँ पर रेडी कर रखी है, या फिर ऐसे आप हैवी चुन्नी रख सकते हो और लेस और बटन का आप अपने सूट पे काम कर सकते हो। उसके अपोजिट फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल सिंपल लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो इस तरह का आप ही सिंपल लुक क्रिएट कर सकते हो। अपने जो चाक हैं उनके ऊपर पाइपिंग निकलवा के और गले पे पाइपिंग बटन का काम कर सकते हो, या फिर आप प्रिंटेड सूट के साथ प्लेन चुन्नी यहाँ पे रख सकते हो, या फिर आप प्रिंटेड सलवार के साथ प्लेन सूट जिसमें लेस लगी हुई हो वो ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे देने वाला है। उसके अपोजिट आप हैवी चुन्नी और प्लेन सूट का भी ट्राई कर सकते हो। हैवी चुन्नी और प्लेन सूट का भी काफ़ी ट्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ट्रेंड है ना, ये काफ़ी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि प्लेन सूट और हैवी चुन्नी ही ट्रेंड में रहती है, तो आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हो। ये एवरग्रीन है, इसीलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करना। आप लेस का काम कर सकते हो सूट पे, या फिर पाइपिंग का काम कर सकते हो, जिससे कि आपका सूट बिल्कुल प्लेन भी नज़र नहीं आएगा और हैवी चुन्नी के साथ उसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लेस और बटन लगाते हो, तो आपका अगर पार्टी वियर तैयार कर रहे हो, तो लेस और बटन अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप चीप क्वालिटी के बटन या लेस ट्राई करोगे, तो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप जो कि अच्छी क्वालिटी की लेस और बटन होगी, तो उसकी काफ़ी अच्छी लुक आपको आएगी। उसके अलावा आप इस तरह से पेपलन कुर्ती नीचे धोती सलवार जरूर ट्राई करना, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, इसको आप जरूर ट्राई करना। अगर आपको धोती सलवार की कटिंग सीखनी है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। और साथ में ही पेपलन टॉप की भी कटिंग आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। होप करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अब तक अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को कर दो लाइक, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय दिस वीडियो। और फ्रेंड्स आप ये देखो कि ये मैंने बीच में ये ड्रेस जो मैंने लगा रखी है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप ये भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।